देखा दिखाया हुक्मे और हम भी भये हुकुम, ना हुआ ना है ना होएगा बिना हुक्म खसम, बिना हुक्म खसम। हुक्मे दिखाया हुक्म को, प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस सिंधी वाणी के अंदर सागर और श्रृंगार का एक रस निचोड़ा है। सिंधी वाणी इस तथ्य में प्रकाश डालती है कि हमने सागर और श्रृंगार से सीखा क्या है। पुरानी पीढ़ी के विद्वानों में एक बात प्रचलित थी कि यहां कोई नहीं आया है, न सखी आई है न राजी आई है, ये तो हुक्म और इलम का खेल है। इस प्रकरण में यह बात शब्दों के रूप में भी कही गई है। हुक्म क्या है यह समझने की आवश्यकता है। और आप पुराने मंदिरों में आप जाएंगे तो ये जयकारा लगाते समय क्या बोला जाता है, ब्रज बिहारी की जय, राज के रमैया की जय, हुक्म के स्वरूप की जय, निजानंद स्वामी की जय और पांचवें नंबर पर प्राणनाथ बिहारी की जय। पूछा जाए ब्रज बिहारी जो था और राज बिहारी था क्या ये दो हैं? जो ब्रज बिहारी है वही तो राज बिहारी बना, जो राज बिहारी है वही तो हुक्म का स्वरूप बना। निजानंद स्वामी कहने के लिए श्री देवचंद जी के तन को संबोधित करके अवश्य कहते हैं, लेकिन उन्हीं का दूसरा तन तो महामति जी का है। सब में लीला करने वाले कौन है? एकमात्र श्री प्राणनाथ जी। हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा ही हुक्म है। अभी आपने चौपाई सुनी, देखा दिखाया हुक्मे हम भी भये हुक्म। देखा हुक्म को देखा, देखा दिखाया हुक्मे, हुक्म ने देखा, हुक्म ने दिखाया और हम भी भये हुक्म। हम किसके स्वरूप हैं? हुक्म के स्वरूप हैं। जैसे किसी हाथी को दस्त लग जाए तो एलोपैथ का डॉक्टर क्या करेगा? दस्त का कारण क्या है इस पर नहीं विचार करेगा, वो दवा कुछ भी दे सकता है। उसी तरह से हमारे समाज में एक भूल जो चली, उस भूल को बार बार दोहराया जाता रहा है और आज भी दोहराया जा रहा है कि परम धाम की कोई भी परमात्मा यहां नहीं है, यहां राज्य भी नहीं आए हैं। जब तारतम ग्रहण करने के पश्चात इस तरह की विरोधाभासी बातें मैं सुनता था तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। आज सुंदर सात का सौभाग्य है कि उसको वाणी की टीका मिल गई है। आज सुंदर सात का चिंतन मनन बहुत गहराई तक पहुंच रहा है, इसलिए इन प्रश्नों पर विचार होना बहुत आवश्यक है कि क्या सचमुच आत्माएं नहीं आई हैं, केवल हुक्म आया है और हुक्म और इल्म का खेल चल रहा है, राज्य भी नहीं आए। तो वाणी के कई कथनों से तो विरोधाभास हो जाता है कि प्रकट्य पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिद्धार्थ। जिस चौपाई की चर्चा होने जा रही है वह चौपाई है हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देखा हुक्म भीष्ट दोजग उन हुक्मे आखिर सुख शब्दम। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। मैं एक वाक्य में सारा कथन दर्शा रहा हूं। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। हुक्म क्या है?
राज्य के दिल की इच्छा ही हुक्म है। परम धर्म में क्या होता है? राज्य के दिल की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। मारिफत स्वरूप क्या है? देखिए बर्फ है, जमी हुई है, तो हम क्या कहते हैं? बर्फ है, घनीभूत रूप। बर्फ पिघल करके बहने लगी तो क्या कहेंगे? ये द्रवीभूत है। अब उसको बर्फ नहीं कहेंगे, जल कहेंगे। जब बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देती है तो वो हकीकत में बदल जाती है। उसी तरह से प्रेम और आनंद का जो घनीभूत रूप अक्षरातीत के हृदय में क्रीड़ा कर रहा है वो मारिफत का स्वरूप है। और वो मारिफत का स्वरूप जब हकीकत में प्रकट होगा तो अक्षरातीत के हृदय की इच्छा से प्रकट होगा। तो हम क्या कहेंगे? हके हुकम किया वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा उत वो देखत तैसा करत माहे नकल। हके हुकम किया वतन में, कहते हैं कि हुक्म की लीला परम धाम में नहीं होती। हुक्म क्या है? मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। वैसे तो मुझे किसी भी सीरियल को देखने का अवसर नहीं मिलता है, न कुछ संगीत सुनने का अवसर मिलता है। गाड़ी में यात्रा करते समय जब लंबी यात्रा में रहता हूं तो कोई आगे की सीट पर वीडियो चला देता है या संगीत होता है तो मैं सुन लेता हूं। लंबी यात्रा में मैंने राणा प्रताप का सीरियल बच्चों ने दिखाया था, उसके कुछ दृश्य इस व्याख्या में कार्य करेंगे। आपने देखा होगा राणा प्रताप के पिताजी को जब कोई संबोधित करता है तो क्या कहते हैं? जी हुकम। राजस्थान में चलता है, राजा ने किसी को बुलाया मंत्री को तो मंत्री क्या कहेगा? जी हुकम। मतलब नाम तो ले नहीं सकता महाराजा जी, क्या कह रहे हैं? जी कहने का तात्पर्य संबोधन हो गया, जी महाराज। आपका क्या हुक्म है, आपका क्या आदेश है, मुझे बताया जाए, इसलिए एक संबोधन बन गया जी हुकम। अब कहीं कहीं ऐसा अटपटा सा लगता है कि जी हुकम क्या व्यक्ति है? जी हुकम कोई व्यक्ति नहीं है, आपका आदेश क्या है? यही भाषा समझने की बात है। श्यामा जी का स्वरूप कैसे होगा? परम धाम में सभी अनादि हैं, जब से राज्य हैं तब से श्यामा जी हैं, तब से सखियां हैं और तभी से खूब खुशहाली आए। प्रश्न ये होता है कि पहले बीज होता है या वृक्ष होता है? पहले परम धाम हुआ होगा कि पहले राज्य हुए होंगे? अब क्या उत्तर देंगे? परम धाम में राज्य रहते हैं या राज्य में परम धाम रहता है? दोनों बातें सच है। परम धाम में राज्य कहाँ है? मूल मिलावे में, रंगमल में, आप ये कहेंगे, ये हकीकत में है। हकीकत में परम धाम में राज्य रहते हैं, मारिफत में परम धाम राज्य के दिल में रहता है। राज्य के हृदय में इच्छा हुई, हम समझने के लिए कह रहे हैं, इच्छा अनादि है। सूर्य में तेज कब से है कोई बता सकता है? चंद्रमा में शीतलता कब से है? शीतलता से ही तो वो चंद्रमा है, तेजस्विता से तो वो सूरज है। इसलिए नहीं कि आप कह सकते कि पहले परम धाम हुआ कि पहले राज्य हुए। हाँ, कालमय की दुनिया में होगा कि पहले सृष्टि बनेगी तब तो मनुष्य का अवतरण होगा, लेकिन परम धाम तो अनादि है, न वहां कोई चीज बनती है न कोई चीज नष्ट होती है। इसलिए अक्षरातीत के हृदय का जो व्यक्त स्वरूप है, दो चीजें होती हैं, एक व्यक्त स्वरूप एक अव्यक्त स्वरूप। आपका हृदय है, हृदय में इच्छा व्यक्त अव्यक्त रूप में रहती है, जब वाणी के माध्यम से प्रकट होती है तो उसको क्या कहते हैं? आपकी इच्छा व्यक्त होती है। हमारे हृदय में प्रेम की इच्छा होती है, सांसारिक सुखों की इच्छा होती है, तो जो मुख से निकलती है तो कहते हैं कि हाँ उनकी यह इच्छा है। इच्छा तो पहले भी थी लेकिन वो उसका हमें बोध नहीं था। इसी प्रकार राज्य के हृदय में जब मारिफत से हकीकत में लीला करने की भावना होती है तो लीला रूप में हम कहते हैं कि ये श्यामा जी का स्वरूप है, राज्य के आनंद का स्वरूप।
या सखियों का स्वरूप है या महालक्ष्मी का स्वरूप है, यह खूब खुशहालियों का स्वरूप है। अब सारी लीला किसी के द्वारा हो रही है? जिसको इच्छा कहते हैं उसी को दूसरे शब्दों में हुक्म कहते हैं, आदेश। आदेश और इच्छा में क्या अंतर है? जैसे आप कार्यालय में बैठे हैं, बड़े अधिकारी हैं, चपरासी को क्या कहेंगे? एक गिलास पानी लाओ। लेकिन जो भाषा आपने चपरासी को कह दी कि एक गिलास पानी लाओ, घर में आकर पत्नी को क्या फटकार करके कह सकते हैं कि एक गिलास पानी लाओ? वहां आप बहुत प्रेम के शब्दों में कहेंगे कि प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो, पीने की इच्छा है। वहां इच्छा कहेंगे कि एक गिलास पानी की इच्छा है, आपकी धर्मपत्नी भाग करके लाएगी, चपरासी भी भाग कर लाएगा, आपकी पत्नी भी भाग कर लाएगी। लेकिन एक के लिए वो इच्छा है, एक के लिए वो आदेश है, बस यही शब्द है। राज्य की जो स्वाभाविक इच्छा है, जिसे परम धाम में सारी लीला चलती है, 25 पक्षों की लीला किससे होती है? राज्य के दिल की इच्छा, सखियों की इच्छा से। सखियों की इच्छा श्यामा जी के सामने प्रस्तुत की जाती है और वह इच्छा राज्य के सामने कही जाती है, तो खेल होता है। उनके हृदय में इच्छा करने वाले कौन है? स्वयं श्री राज्य। इसलिए हके हुकम किया वतन में सुपजत अंग असल, जैसा उतो देखत तैसा होत माहे नकल। अब क्या होगा? हुक्म किसको कहते हैं? हुक्म का तात्पर्य ही है राज्य के दिल की इच्छा से। अब देख्या दिखाया हुक्मे, देख्या हुक्म के स्वरूपों ने देख्या, दिखाया किसको? हुक्मे, राज्य के हुक्म ने हुक्म के स्वरूपों को दिखाया। हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देख्या हुक्म। इसके पूर्व की चौपाइयों में कहा गया है कि हम भी भय हुक्म, हम तो हुक्म के स्वरूप है, हम भी भय हुक्म का तात्पर्य क्या है? अब यहां से भूल होनी शुरू होती है। जब आप किसी नहर पर जा रहे हैं, नीचे पानी भरा है या गड्ढा है, साइकिल का हैंडल जरा सा टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा होते होते धीरे धीरे आप सड़क के नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से हुक्म की व्याख्या न समझ पाने के कारण सुंदर साथ ने भ्रांति से हुक्म को एक अलग स्वरूप बना दिया कि राज्य के हुक्म का स्वरूप अलग है। तभी कहते हैं हुक्म के स्वरूप की जय। आप पुरानी परंपरा के जो मंदिर होंगे, आपको बार बार यही सुनने को मिलेगा कि राज की रमैया की जय, हुक्म के स्वरूप की जय। आप कह सकते हैं कि पांचों स्वरूप जो इस संसार में लीला किए, ब्रज राज सरभ देवचंद जी और महामती जी के लिए, इन पांच स्वरूपों के लिए हम ये बार बार कह रहे हैं। लेकिन सभी स्वरूपों में, ये सब में किसका स्वरूप है? एक राज्य का ही तो स्वरूप है। हुक्म कोई अलग नहीं है। हम भी भय हुक्म का तात्पर्य क्या है? परात की तनु ने राज्य से माया का खेल देखने की इच्छा की। इतनी गर्मी क्यों हो रही है? आवाज क्यों थोड़ा बढ़ाए रखिए इसको। हम भी भय हुक्म, राज्य के दिल की इच्छा से परात्म की नजर आत्मा के रूप में इस खेल को देख रही है। साहेब के हुक्म में ये बानी गावत है महामत, तो इल्म क्या हुआ? राज्य के आदेश से प्रकट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये तो इल्म है। इल्म आया कहां से? कहलाया हृदय बैठ साक्षात। महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत का आवेश स्वरूप प्रकट होकर साक्षात इस वाणी को कह रहा है। साथी जी, ये सिंधी की वाणी विरह की वाणी है, प्रेम की वाणी है। इसमें सत्ता का कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रियतमा अपने प्रियतम से कुछ भी कह सकती है, लड़ झगड़ सकती है, और सिंधी की वाणी में इतना मिठास है कि सिंधी की वाणी ही इसलिए दी गई है आत्ममंथन करने के लिए कि हमने सागर और श्रृंगार को कितना आत्मसात किया है। जब आप, मैं कई बार चर्चा में संकेत कर चुका हूं, जब आप मंदिर में जाते हैं तो डरते कांपते मत्था टेकते हैं कि हे राजी, कोई गुनाह हो गया हो तो माफ कर देना, माफ कर देना। यदि पत्नी बार बार अपने पति के चरणों में पड़े
और कहेंगे कि मैंने आपके पॉकेट में से 5 रुपया ले लिया था, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। तो पति कहेगा कि सुन लिया मैंने। कितनी बार कहोगी? ज्यादा कहोगी तो क्या होगा? वो सबसे कहेगा कि मेरी पत्नी का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया। वही है सबका हाल है। राज्य के स्वरूप की पहचान कराने के लिए सिंधी की वाणी है, और सिंधी की वाणी में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य आप परम धाम में बैठे हो, हमको माया में भेज रखा है, लेकिन लगता है कि हमसे ज्यादा विरह आपको सता रहा है। ये कौन कह सकता है? जो राज्य पर अधिकार समझे, इसलिए प्रेम के रस में सनी हुई ये वाणी है, और इस वाणी में हुक्म की महत्ता बताई जा रही है। हुक्म को हमने आदेश दे रखा है। आप देखिए इसको कैसे शब्दों में समझें। एक कलेक्टर है, बड़ा अधिकारी, उसके घर नौकर रहता है। कलेक्टर की पत्नी नौकर से कहती है कि देखो साहेब आने वाले हैं, उनका हुक्म है कि यह काम हो जाना चाहिए। तो हुक्म किसके लिए है? पत्नी के लिए नहीं है। हुक्म कहकर वो व्याख्या की जा रही है, नौकर को यह काम करना है, इसलिए हुक्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यदि कदाचित तेज आवाज में कलेक्टर महोदय अपनी पत्नी को कहेंगे कि मेरा हुक्म है कि जल्दी से रोटी बना दो, तो परिणाम क्या होगा? पत्नी कह सकती है कि मैं नहीं बनाती, जो आपको करना हो कर लीजिए। कलेक्टर महोदय क्या करेंगे? निकाल तो सकते नहीं। मैंने चर्चा में कई बार खिलवत की चर्चा में एक प्रसंग बताया है कि एक बार अकबर अपने महल में चले गए। अकबर की बेगम अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, हंस रही थी, और हंसते हंसते अकबर को कह दिया, आइए मूर्खराज। अकबर को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैं देश का बादशाह हूं और मेरी बेगम मुझको सबके सामने मूर्खराज कह रही है, अब तो इसको सजा देना होगा, फांसी चढ़ा देनी है। बीरबल से अपने मन की व्यथा कह दी। बीरबल ने कहा कि महाराज, आप अंतःपुर में गए थे, खिलवत खाने में गए थे, और खिलवत खाने में आप बादशाह नहीं है, आप एक बेगम के पत्नी पति हैं, और वहां बेगम को अधिकार है, आप आपको मूर्ख राज कहे या कुछ भी कहे, आपको चुपचाप सुनना पड़ेगा। यदि आप फांसी पर चढ़ाएंगे तो सारे देश में आपकी बदनामी होगी कि बादशाह पागल हो गया है, अपने बेगम को फांसी पर चढ़ा रहा है। शब्दों का भाव है उस पर देखना होगा। इस प्रकरण में, सिंधी के इस प्रकरण में, जिसको प्रेम की भाषा कहा जाता है, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रीतम से लड़ झगड़ सकती है, अपने अधिकार का दावा कर सकती है, पूरी वाणी में जिस अधिकार की भाषा का, प्रेममयी भाषा का प्रयोग किया गया है, यदि उसमें हुक्म की बात कही जाए तो आश्चर्य होता है। लेकिन हुक्म का तात्पर्य अब समझिए। जैसे मैंने आपको संकेत किया था कि कलेक्टर की पत्नी हुक्म शब्द का प्रयोग कर रही है, लेकिन किसके लिए कर रही है? अपने कर्मचारी के लिए, कि साहब आने वाले हैं, उनका हुक्म है तुम्हारे लिए कि ये कर दो। अब वो हुक्म शब्द पत्नी के लिए प्रयोग नहीं होगा। हमने उल्टी व्याख्या कर ली, हमने हुक्म को समझा नहीं। वो हुक्म नहीं है जैसा कि समझा जा रहा है, राज्य के हृदय की लीला का विलास है। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जो कुछ हो रहा है राज्य के दिल की इच्छा से हो रहा है, और इसी भी एक चौपाई आती है जिससे पूरा समाज आज भी भटका। ये चौपाई है, इत रूह न कोई रूहन की। इस एक चरण को देख लेते हैं, आगे नहीं देखते कि क्या है। जैसे भी तक में एक प्रसंग आता है, सास श्रवण श्री भागवत। शास्त्र क्या है? भागवत। आगे क्या लिखा है कोई ध्यान नहीं देता। बुद्ध जागृत को ज्ञान, तो उसका अर्थ कर देते हैं हमारा शास्त्र भागवत है और बुद्धि को जागृत करने वाला है। ज्ञान कौन है? जागृत बुद्धि का ज्ञान, वो प्रसंग अलग है। शास्त्र क्या है? साक्षी होने के कारण भागवत को शास्त्र बनाया गया है।
यही प्रसंग यहां है। इत रूह न कोई रूहन की, इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होगा यहां रूहों के रूह नहीं है, अर्थात यहां कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं है, यही अर्थ लगा लेते हैं। भाव ये नहीं है, जो जो है सो, जो है जो कछु है सो हुकम। आगे के चरण में कहा गया इत रूह न कोई रूहन की, जो कुछ है सो हुकम है। इसका भाव क्या है? यहां जो आत्मा आई है वो क्या है? परात्म की नजर से। इसी प्रकरण में क्या कहा गया है? हम भी भय हुकम सुरते सुरते सब हुकम की, हम भी भय हुकम। ये जितने सुरताएं हैं सब हुकम की सुरता है। तो विद्वानों के मन में क्या होता है? एक हुक्म है और इल्म है, हुक्म और इल्म का खेल चल रहा है। यहाँ तो न राजी है न सखियां हैं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। यदि सखियों का अस्तित्व नहीं मानेंगे तो अग्निराज किसके साथ हो रही है? क्या ब्रजराज, ब्रज में तो इल्म था नहीं, रास में तो इल्म था नहीं, अब इल्म कहां से आ गया? जब इल्म नहीं था तो क्या हुक्म हुक्म के साथ लीला कर रहा था? हाँ, लीला कर रहा था। किस रूप में? यूं उपजे हम ब्रजबद्ध जन। ब्रज में परात्मा की नजर आत्मा के रूप में आती है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देने लगता है। यदि आप खड़े नहीं होंगे तो आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से परात्म का प्रतिबिंब है आत्मा, और उस आत्मा के रूप में परात्म की नजर खेल को देख रही है। हके हक राजी ने क्या किया? इन सुपन दे माख फक हके दिल में किया प्रवेश। ये सपने का ब्रह्मांड है जिसको राज्य के आदेश से बनाया गया है ब्रह्म सृष्टियों को देखने के लिए। इसलिए इस खेल को क्या कहेंगे? हुक्म का ब्रह्मांड। राज्य के आदेश से परमधाम की वाणी अवतरित हो रही है, इसलिए वाणी को क्या कहेंगे? हुक्म का इल्म। हमारे तन मूल मिलाव में राज्य के सम्मुख बैठे हैं तो क्या कहेंगे? कि हमारे तन तो वहां है, एक कंकरी भी इस संसार में आ जाए, कंकरी उड़ावे अर्श की ये जो चौदह तबक, परम धाम की एक कंकरी आ जाए तो ये चौदह तबक समाप्त हो जाएंगे। एक बात कही जाती है, झूठ हम देखा नहीं, झूठ न रहे हमारी नजर। परात्म के जो तन राज्य के तन है, उन इश्क के सागर जिसके अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड टिक ही नहीं सकता। झूठ हम देखा नहीं, झूठ न रहे हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया देने को इश्क खबर, आड़ा पट दे खेल दिखाइया। एक पर्दा कर दिया, हुक्म का पर्दा, दिल की चाहत से अनहोनी को होनी में बदल दिया राजी ने। जो ब्रह्मात्माएं कभी माया के संसार में नहीं आई थी, उनकी दृष्टि को माया के जीवों पर डाल दिया और उन्होंने एक तन धारण कर लिया। कैसे? आप यहां सरसावा में सो गए, सोते समय आपके मन में जो भाव थे स्वप्न के रूप में प्रकट हो गए। आप मुंबई चले गए, मुंबई में आपका एक तन काम कर रहा है, आपका ही रूप लेकर, आपका ही नाम लेकर। वह किसी से झगड़ा करता है, वह व्यक्ति आपको चांटा मार देता है, और आप यहाँ सो रहे होते हैं, उठ जाते हैं। उठने के बाद क्या कहते हैं कि मैं तो सपने में वहाँ गया था और ये चांटा खा बैठा। कई लोग सपने में सपना देख रहे होते हैं, उठ करके बिस्तर से भागने लगते हैं। कुछ लोग गाली देने लगते हैं, बड़बड़ाना जिसको कहते हैं। उसी तरह से परमधाम की आत्माओं को सपने का यह खेल दिखाया गया। जैसे हम स्वप्न में हमारा तन यही रहता है, हमारे वजन में कोई कमी नहीं होती, हमारा मन यही रहता है, मन की तरंगे हमारे हमारे शरीर का रूप धारण कर लेती है, हमारी सारी चेतना किसी न किसी रूप में केंद्रित होती है। हम सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं, और जागने पर उस पूरे दृश्य को याद भी करते हैं। उसी तरह से राज्य ने अपने हुक्म से, अपने दिल की इच्छा से चाहा कि परम धाम की ये सखियां अपने नूरी तन से तो यहां रहें,
लेकिन इनकी दृष्टि माया के जीव पर बैठकर माया का खेल देखे कि सुख और दुख की लीला क्या होती है, माया में जन्म मरण का चक्र क्या होता है, संयोग और वियोग की लीला क्या होती है, ये किसकी इच्छा से हो रहा है, राजी के दिल के इच्छा से। इत रूह न कोई रूहन की, इसी को कहा गया है, यहां रूहों की रूह नहीं है, रूहों की रूह न होने का तात्पर्य यहां परात्म की जो दृष्टि कई बात कही जाती है, इत रूह न कोई रूहन की जो कुछ है सो हुक्म। यह दृष्टि कैसे आई है, राजी के हुक्म से आई है, जैसे एक भाषाई सौंदर्य है अतिशुक्ति अलंकार की, जिसका वर्णन किया जाए उसी को प्रधानता दिया जाए। आप पूरे परिक्रमा का वर्णन पढ़िए, सागर श्रृंगार में पढ़िए, तो ये भाषा का सौंदर्य सामने आता है। जैसे राज्य के पांच हारों का वर्णन है सागर ग्रंथ में, एक देख्या हार हिरण का, जानो कोट सूरज उजास, इन उजास तेज बरा फरक, ए सुख शीतल ज्योत मिठास। अब एक एक करके सभी हारों का वर्णन किया जाएगा। हार दूजा माणिक का उनते अधिक शोभाए, अब माणिक का वर्णन जब किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ये तो उससे भी सुंदर लग रहा है। हार लसनिया पांचवा, ये सुख शोभा और जानो ते सरस संबंध थे, क्या कहा जा रहा है कि लग रहा है कि यही सबसे सुंदर है। हर हार को दूसरे से सुंदर बताया जा रहा है, तो ये तो परम धाम में भेदभाव हो गया। हीरे के हार से माणिक का हार सुंदर है, माणिक से मोती का हार है, और उससे भी हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया, मोती से नीलम का हार ज्यादा चमक रहा है और उससे लसनिया का हार चमक रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हीरे का हार सबसे कम है, परम धाम में तो सभी की शोभा बराबर है, तभी तो वैदत है। ये भाषा का सौंदर्य है कि जिसका हम वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं। जैसे परम धाम में एक छोटी से छोटी वस्तु, कोई फवारा भी है, यही वर्णन किया गया है परिक्रमा ग्रंथ में, उससे इतना नूर निकल रहा है कि लगता है कि सारा आकाश भर गया है। राज्य के एक एक आभूषण से, चरणों के आभूषण से, हस्तकमल के आभूषण से, अंगुलियों के नखों सकेरे तेज भरे हो आसमान में, क्या कहा जा रहा है कि राज्य के नखों से, श्यामा जी के नखों से इतना प्रकाश निकल रहा है कि सारा आकाश भर गया है। किसी का भी नूर फैलने की बात कही जा रही है तो यही बात कही जा रही है कि सारा आकाश उसी से भर गया है। ये अलंकारिक भाषा है, इसको न समझने के कारण इत रूह न कोई रूहन की का अर्थ नहीं हो पाता, आगे का चरण कोई ध्यान में नहीं देता कि जो कुछ है सो हुक्म है, अर्थात राज्य के हुक्म से परात्म की नजर आत्मा के रूप में खेल को देख रही है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आई ही नहीं है, वाणी के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं होता। इसलिए तो कहा है, मोमिन उतरे अर्श बिलंद से, दुनी 300 करे जित, ए अर्श से आए हक पूजत, दुनी पूजना हवा लगा। ब्रह्म सृष्टि कहां से आई है, परम धाम से। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, क्यों कौन कह रहा है, राजी तो कह रहे हैं, हमको खेल देखावन का झमसु आगो आए श्री राज, तब तो वाणी के कथन ही आपस में टकरा जाएंगे, तो ये ब्रह्मवाणी कैसे कहलाएगी। वाणी में जो एक जगह लिखा है दूसरी जगह भी रास में जो लिखा है उसका अर्थ भी क्यामत नमा के अनुसार होना चाहिए, और क्यामत नमा का अर्थ भी रास के अनुसार होना चाहिए, किसी में विरोधाभास नहीं झलकना चाहिए, वो अक्षरातीत नहीं है। जिन जो आज कुछ और कहे कल को कुछ और कहे, यदि अर्थ में विरोधाभास झलकता है तो इसका तात्पर्य है कि सही अर्थ नहीं हो रहा है या उचित संगीत संगतकरण नहीं हो रहा है। इसी कारण जो यहां बात कही गई है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देखिया हुक्म, भीष्ट दोजक उन हुक्मे आखिर सुख शब्दम, आखिर हुक्म का प्रकरण लाने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस सिंधी ग्रंथ में प्रेम के सिवा कोई बात ही नहीं की गई है, तो इस हुक्म में भी प्रेम छिपा हुआ है, और यही हुक्म हमको मार्फत की तरह प्रेरित करता है कि हम क्या हैं, राज्य के दिल की इच्छा के स्वरूप, अक्षरातीत के हृदय में
प्रेम और आनंद का अनंत सागर जो उमड़ रहा है, वही सागर तो लहरों के रूप में क्रीड़ा करते करते सखियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, 25 पक्षियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो जो यह लीला हो रही है उसके दिल की लीला का विलास है। हमारा कोई कहीं व्यक्तिगत अहम न खड़ा हो जाए, हम अपने को कुछ सिद्ध न करने लगे, जैसे कि रब्द हुआ तो क्यों हुआ, सबने कहा कि हमारा इश्क बड़ा है। यह बात समझाने के लिए हुक्म का प्रकरण दिया गया है कि जो कुछ हो रहा है उनके दिल की इच्छा से, और इसका अनुचित लाभ भी हम उठाते हैं। आपको कहा जाए कि सुंदर साहब जी चितवनी करी कीजिए, तो क्या कहेंगे, हुक्म होगा तो कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि जो भी होगा हुक्म से होगा। तो यहाँ आप तुक्का मार देते हैं कि राज्य हुक्म करेंगे तो वाणी पढ़ेंगे, राज्य हुक्म करेंगे तो चितवनी करेंगे। राज्य ने क्या कह दिया है, हुक्म के सिर दोस्ते बैठ न सके मुंह में। हुक्म का बहाना मत दीजिए, आपको तो करना ही पड़ेगा। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ए माफक दो अंकुर के। लेकिन जो ये हम सिंधी में पढ़ते हैं, जित है हक हुक्म, जो कुछ हो रहा है हुक्म से हो रहा है, तो जानते हैं इस देश में एक परंपरा है, कोई कानून बनाया जाता है किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए, उसी कानून की भाषा को तोड़ मरोड़कर गलत अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हम सुंदर साहित्वी उसी तरह से हर शब्द को गलत अर्थों में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि कार्यक्रम हो रहा है आप आ जाइए, तो क्या कहेंगे आप, आपके मन में इच्छा नहीं होगी, क्या करें, आना तो चाहता था, राज्य का हुक्म नहीं था। आपने दोष किसके सिर पर डाल दिया कि राज्य हुक्म ही नहीं कर रहे थे इसलिए मैं नहीं आया, व्यक्तिगत रूप से मैं आना चाहता था। तो आप सोचिए, राज्य को दोषी न बनाइए। राज्य का हुक्म उनके दिल की इच्छा से होता है। आपकी जो इच्छा होती है आपके जीव के दिल की इच्छा होती है। जीव के दिल की इच्छा अलग है, राज्य के दिल की इच्छा अलग है। जीव के दिल की इच्छा माया से प्रेरित है, राज्य क्या है, पूर्ण काम है, सत्य काम है, प्रेम और आनंद के सागर है। इसलिए हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, खेल दिखाया। हुक्म ने हुक्म को, हुक्म क्या है, राज्य के दिल की इच्छा। उस राज्य के दिल की इच्छा ने किसको दिखाया, सखियों के और श्यामा जी के जो तन प्रकट हुए उसको क्या कहेंगे, हुक्म के तन। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से, हुक्म से का तात्पर्य क्या है, मूल स्वरूप के हुक्म से हुक्म दिखाया, खेल दिखाया। यह ब्रह्मांड किसका बना है, हुक्म का ब्रह्मांड बना है। इसलिए खेल किसका हुआ, हुक्म का हुआ। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, हमने हम से हमको हम दिखाया। अब सोचिए, ये चर्चा बड़ोदरा में एक बार की गई थी, लगभग 12 वर्ष पुरानी घटना है। आज 12 वर्ष के बाद इस चौपाई की चर्चा करने का प्रसंग आया। हमने, हम कौन है, हम भी भय हुकम, हमने हमको हम से हम दिखाया। हम किसके के ब्रह्मांड में आए, हुक्म के ब्रह्मांड में आए। हम कौन है, हुक्म के स्वरूप है, क्योंकि राज्य के दिल की इच्छा से परात्म ने हमारी आत्मा का रूप धारण किया है। परात्म की नजर इस खेल में आत्मा के रूप में आई है, इसलिए इस तन को क्या कहेंगे, हुक्म का तन। ब्रह्मांड क्या है, हुक्म का ब्रह्मांड है। इल्म कहां से आया, साहेब के हुक्म में, ये बानी कावत है महामत। इल्म आया हुक्म से, खेल बना हुक्म से, तन प्रकटे हुक्म से, तो क्या कहा जाएगा, ये किसकी इच्छा से हो रहा है, सब राज्य के दिल की इच्छा से हो रहा है। रूहों के दिल में इच्छा किसने प्रकट की, मार्फत की दृष्टि देखेंगे तो क्या कहा जाएगा, मेहर का दरिया जब दिल में लिया तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मार्फत की दृष्टि लगता है कि राज्य अपने दिल की पहचान कराना चाहते हैं कि मेरी ही लीला का विलास है सब कुछ। कौन सी लहर कैसी क्रीड़ा कर रही है यह तो सागर की इच्छा पर निर्भर करता है। वेदांत का एक बहुत सुंदर वाक्य है, आकाशात पततो वारि सागरम अधिगच्छति। आकाश
से गिरा हुआ जल सागर में विलीन हो जाता है, लेकिन आकाश में जो जल जाता है सागर का जल ही भाप बनता है, बादल के रूप में दृष्टिगोचर होता है, पानी के रूप में बरसता है और पुनः सागर में मिल जाता है। श्यामा जी का जो स्वरूप है, सखियों का स्वरूप है, खूब खुशहालियों का स्वरूप है, उनके दिल में जो इच्छा होती है, ये किसकी क्रीड़ा का विलास है? केवल राज्य का विलास है। इसलिए ये हुक्म की बात यहाँ इसलिए कही जा रही है कि हम सुंदर साथ इस बात को समझ लें कि जो कुछ है सब राज्य है, हम अहम का पर्दा ना आने दें, क्योंकि हमारा अहंकार हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा बन जाता है। रास में क्या हुआ था? रास में सभी सखियों के मन में अहंग आ गया कि लगता है कि राज्य तो हमारे अधीन हो गए। इस संसार में एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि आपको प्रेम के स्वरूप की गहराई का पता नहीं है तो आप बहुत कुछ पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, मोह और प्रेम में 36 का आंकड़ा होता है। प्रेम आत्मा की वस्तु है, आत्मा और परमात्मा की वस्तु है। मैंने उस दिन भी चर्चा में कहा था, मैं थोड़ा संकेत कर देता हूं। योग माया के ब्रह्मांड में रास हो रही है, राज्य कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। सखियों के बालों के जूड़े से कोई फूल गिरता है तो उसको पुनः उसके बालों में लगा देते हैं। सखियों के मन में क्या आता है कि राज्य तो हमारे बस में हो गए हैं। ब्रज में क्या कहा था? तू कामी निर्लज कुछ न देखी सासुरी दे मोहिकार। मेरी सास मुझे गालियां देती है और कृष्ण तुम जब देखो हमारे पीछे लगे रहते हो। कितनी कटु भाषा थी कि हम पतिव्रता हैं, भला कृष्ण तुम जैसे पर पुरुष के साथ हम कैसे जा सकती हैं? लगता है तुम हमारे मुंह में फंसे हुए हो। गोपियों ने क्या कहा? गोपियों को लग रहा है कि हमारे पति तो हमारे घर बैठे हैं, इस कृष्ण को क्या पड़ी है जब तक देखो तक हमारे पीछे लगा रहता है। परम धाम की आत्माओं ने क्या कहा? कृष्ण को मोह में आसक्त कहा। रास में स्वरूप की पहचान नहीं है तो क्या कहा कि लगता है कि ये तो हमारे बस में हो गए। प्रेम के स्वरूप की पहचान नहीं है क्योंकि वहां भी अभी कुछ कछुक नींद कछु जागृत भैया योग माया के सिंगार चुके, पूरी जागृति नहीं है। इसलिए सखियों के मन में अहंग की ग्रंथि आ जाती है और वहां भी वो राज्य को अपने अधीन समझ लेती है कि राज्य लीला में तो हमारे अधीन हो गए हैं। अधीन कौन होता है? जो मोहाशक्त होता है। ब्रज के स्वरूप के प्रेम का पता नहीं है क्योंकि कृष्ण सखियों को खुश करने के लिए नाचते हैं, राधा के पांव पकड़ते हैं। राधा तो निद्रा में है, जब राधा के पांव पकड़ेंगे तो राधा क्या सोचेगी कि कृष्ण तो मेरे मुंह में फंसे रहते हैं, जब देखो मेरे पांव पकड़ लेते हैं मुझे मनाते हैं कि राधा रूठना नहीं। रास में भी यही भावना कार्य कर रही है। ये जागने के ब्रह्मांड में सिंधी की वाणी अवतरित हो रही है और जो भूल ब्रज से हमारे द्वारा हुई, ब्रज में हुई, जो रास में हुई, उस भूल को हम न दोहराएं कि राज्य मोह के अधीन होते हैं, राज्य प्रेम के स्वरूप है। और वही बात दर्शाने के लिए कि उनके हृदय में जो प्रेम का अनंत सागर क्रीड़ा कर रहा है उसी की इच्छा के रूप में हमारा स्वरूप है। वो आनंद का सागर है, उस सागर की लहर रूप हम परमात्माएं हैं, श्यामा जी का स्वरूप है। और जो कुछ करते हैं वही करते हैं, हमारे हृदय में जो प्रेम का स्फुरण होता है उनकी प्रेरणा से होता है। यदि ये पता चल गई तो अब कोई भी सुंदर साथ ये तो नहीं कहेगा कि राज्य मोह के वशीभूत होते हैं। मैंने आपको मोह और प्रेम का अंतर समझा दिया और इसलिए हम सुंदर साथ जागने के ब्रह्मांड में कोई भूल न करने पाए, अपना अहंग लेकर के खड़ा न हो जाए, क्योंकि ये अहंग ब्रज में हमारे लिए हानिकारक रहा जिसने 52 दिन का वियोग दिया। ये अहंग रास में हमारे लिए कष्टकारी रहा जिसने कृष्ण के शरीर को अदृश्य कर दिया और कृष्ण को खोजने के लिए सखियां वृंदावन
में कुंज निकुंज में भटकती फिरी, कहाँ है हमारा कृष्ण? और कृष्ण को पुनः प्रकट करने के लिए इंद्रावती को कृष्ण का अभिनय करना पड़ा, सभी सखियों को ब्रज की लीला का अभिनय करना पड़ा। जागनी ब्रह्मांड में परमधाम की ब्रह्मवाणी सभी भ्रांतियों को हटाने के लिए, और सिंधी की वाणी हमें प्रेम सिखाती है कि आपने सागर की एक एक चौपाई में कितनी डुबकी लगाई है, सिंगार की चौपाइयों में आपने कितना चिंतन स्वयं को किया है। मैंने नख से सिख तक 7 बार सिंगार का वर्णन किया है, आपने मेरे नख से सिख तक के सिंगार को किस तरह से आत्मसात किया है, श्यामा जी के सिंगार को कितना आत्मसात किया है। वाणी क्या कहती है, पहले पी तू शरबत मौत का, करते की मुकर्रर मुए पीछे हुक मुकाबिल, तो कर मजकूर खिलवत, खिलवत की बात करने से पहले तुम मर जाओ। मरने का तात्पर्य क्या, अपने अहं को मार दो कि तुम्हारा इश्क बड़ा नहीं है, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होता, तुम हो कौन, राज्य के हृदय का विलास ही तो हो। इसलिए जो ब्रज में हमने समझा, राधा सहित सभी ने समझा कि कृष्ण हमारे मुंह में पड़े रहते हैं, ये उनकी भ्रांति थी। रास में जो समझा कि हमारे मुंह में पड़े रहते हैं, हमारे अधीन हो गए हैं, तभी तो हमारे बालों में श्रृंगार करते हैं, ये किसके कारण होगा, नीत के कारण है। जागने के ब्रह्मांड में सिंधी का यह प्रकरण जो हुक्म का प्रकरण है, सभी से पर्दा उठा रहा है, और तभी ये बात कही जा रही है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देखा हुक्म, विस्त दो जग उन हुक्मे आखिर सब सुखदम। अर्थात हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, सब कुछ हुक्म की लीला है। राज्य के दिल में इच्छा होती है एक पातशाही अर्श के दूजे वाहिदत का इस सो दिखलाने लोगों को पहले दिल में लिया हक। राज्य अपने दिल में लेते हैं, वो क्या हो गया हुक्म। परमधाम में कुछ भी होगा राज्य के दिल की इच्छा से होता है, कालमाया के ब्रह्मांड में जो कुछ होता है नारायण के दिल की इच्छा से होता है, योग माया के ब्रह्मांड में जो होता है वो अक्षर के दिल की इच्छा से होता है, लेकिन सबके ऊपर है एक अक्षरातीत, इसलिए कहा है अर्श से आवे हुक्म तीन हुक्मे चले हुक्म। यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम हुक्म का इतना विकृत अर्थ कर देते हैं कि कोई भी गुनाह को छिपाना हो तो हम हुक्म को छिपा लेते हैं। सनद में एक चौपाई आती है, हुक्मे करावे चोरियां, हम उसका क्या अर्थ लगाते हैं, चोरी कर लेंगे, कोई बात होगी तो कहते हैं कि राजी का हुक्म था तो हमने चोरी कर लिया। हुक्म चोरी नहीं कराता है, ये किस प्रसंग में अर्थ है, मान लीजिए आपकी परात्मा है, राजी दर्शाना चाहते हैं कि चोरी क्या होती है, आत्मा के अंदर इच्छा प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका जीव चोरी की तरफ कदम बढ़ाता है, आपको चोरी की लीला का एहसास कराना होता है। यदि कोई व्यक्ति पैसा देकर किसी अपराधी से आप पर प्रहार कराता है, हत्या कराने का अपराध करता है, तो यदि वो पकड़ा जाता है तो दंड किसको दिया जाएगा, जिसने प्रयास किया था वह दंडित तो होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दंड उसको मिलेगा जिसने षड्यंत्र रचा था, जो पैसे के बल पर आपकी हत्या कराना चाहता था, न्यायाधीश सबसे पहले उसको दंड देगा, कि अपराध का मूल वही है। सब कुछ राजी के दिल की इच्छा हुक्म से हो रहा है, तो बताइए चोर चोरी करता है तो उसको बेचारे को दंड क्यों दिया जाए, दंड राज्य को क्यों नहीं दिया जाए। कोई किसी की हत्या कर रहा है तो कह सकते हैं कि राज्य के हुक्म से ये हत्या हो रही है तो दंड बेचारे उसको क्यों मिले, तब तो ये नरक नहीं होना चाहिए दुनिया में, बेचारे जीवों का क्या दोष है। आप ही ये बहाना बना लेते हैं, सब कुछ राज्य के हुक्म से हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। पर आत्म के अंतस्करण रू जेती बीतत बात तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात, आपने चौपाई रट्टी और तुरंत कुतर के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि देखिए परात्म के दिल में तो वही होता है जो राज्य चाहते हैं, जो परात्म के अंदर होता है वही आत्म के अंदर आता है, और हम तो असहाय हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो यह बात याद रखिए, जैसे यहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं
सबके लिए मैं एक ही बात कह रहा हूं, लेकिन कुछ सुंदर जात मेरी बात को किन ज्यादा किन कम कर लिए, किन कर डारे रत। कुछ सुंदर सात होंगे जो मेरी बात को पूरी 100% डस्टबिन में फेंक देंगे, कुछ लोग 20% मानेंगे, कुछ लोग 80% मानेंगे, इक्का दुक्का हो कोई होगा जो 100% या 95% तक मानेगा। मैं बात तो एक ही कह रहा हूं, सत्य रज तम के बंधन में बंधा हुआ जीव अपना कार्य करता है। राज जी ने नारायण के माध्यम से विधान बना दिया है कि यदि आप चोरी करोगे तो आपको दंड मिलेगा, यह विधान है, यह हुक्म है। और आप सत्य रजतम के बंधन में पढ़कर अच्छे या बुरे कार्य करते हैं। विद्यार्थी यदि अध्ययन करता है तो पास होता है, अध्ययन नहीं करता है तो अनुत्तीर्ण होता है, इसमें अध्यापक का कोई दोष नहीं है। उसी तरह से कर्मभूमि है, कोई सात्विक स्वभाव का है, कोई राजसिक स्वभाव का है, कोई तामसिक स्वभाव है का है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार सभी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ राज्य के हुक्म को दोषी नहीं बनाया जा सकता कि राज्य के हुक्म से कोई चोरी कर रहा है। हुक्म का प्रसंग यहाँ अलग अर्थों में है, इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि सब हमें आज दिन तक जो हुक्म की परिभाषा बताई गई है यह उचित नहीं है। हम जो बुरे कार्य करते हैं किसकी प्रेरणा से करते हैं? रजोगुण और तमोगुण के अंधकार में करते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो कभी भी हम बुरे कर्म नहीं करेंगे। इसलिए बुरे कर्मों का दोष राज्य पर मरना और अच्छे कर्मों का श्रेय स्वयं ले लेना कि देखिए हमने ये किया है, ये हमारी चतुराई दर्शाती है। जो जैसा है वैसा ही हुक्म करेगा। जमीन में जमीन एक है, गन्ना बोएंगे तो उससे मिठास आएगी, मिर्च बोएंगे तो उससे तिखापन आएगा, उसमें पृथ्वी का दोष नहीं है। इसी तरह से नारायण का भी हुक्म से ब्रह्मांड चल रहा है तो त्रिगुणात्मक लीला है। अक्षर के हुक्म से बेहद में लीला हो रही है, राज्य के हुक्म से परम धाम में लीला हो रही है। इसलिए राज्य जैसे हैं वैसा ही हुक्म करेंगे। राज्य हमेशा कहेंगे परम धाम की आत्माओं तुम माया को छोड़ो, तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो बिखे रसला, पांव पकड़ कहीं इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। राजी ये कहेंगे, राजी ये नहीं कहेंगे कि चोरी कर लाओ, राजी ये नहीं कहेंगे कि किसी को कटु वचन बोलो तो आप कहेंगे कि हुक्मे करा में चोरियां क्यों कहा गया। इसलिए राजी का हुक्म है कि जो लोभ करेगा वो दंडित होगा, जो चोरी करेगा वो दंडित करेगा। तो जो उनके आदेशों की अवहेलना करके अज्ञान में फंसता है तो उनके इस हुक्म के ब्रह्मांड में वो गलतियां करता है। तो हुक्मेच करावे चोरिया का तात्पर्य उनके हुक्म के इस ब्रह्मांड में सत्य का बोध न होने से, ज्ञान का प्रकाश न होने से मनुष्य पाप करता है। तो आप किसी भी तरह से राज्य को दोषी नहीं बना सकते। यह सिंधी है, इसके सभी प्रकरणों को पढ़ेंगे तो कहीं भी सत्ता की गंध नहीं आएगी। जैसे एक प्रियतमा अपना हृदय खोल करके अपने प्रियतम से बातें करती है, सभी सुंदर साथ के लिए इंद्रावती जी की आत्मा एक वकील की तरह वकालत कर रही है कि राज्य आपकी ही तो लीला है, इश्क मांगू तो भी गुना और खुदी ये भी गुना हो। ये किसकी चौपाई है? सिंधी की। आशिक नारे नजरो मासुक बैठे रो, हेडी कड्डी उल्टी आशिक से न हो। हर तरह से इंद्रावती जी जैसे एक वकील तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करता है वादी और प्रतिवादी के रूप में। इंद्रावती जी की आत्मा सभी सखियों की वकील बनकर राज्य से झगड़ा कर रही है। कैसा झगड़ा? प्रेममय झगड़ा, कि आप ही संसार में आए हो तो यहीं बैठे बैठे हमको दर्शन दो, हमसे बातें करो, तभी आप राजी, अन्यथा आपको राजी कहलाने का अधिकार नहीं है। तभी तो कह रही है आशिक नारे नजरो मासूक बैठो रोए, हेडी कड़ी उल्टी आशिक से ना हो। आप आशिक कहलाते हैं तो आपकी आत्माएं यहाँ रो रही हैं, तो आपको आशिक कहलाने का क्या अधिकार है? यही तर्क है। जब वकील बहस करता है जज के सामने अपने प्रतिवादी पर,
तो तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करता है कि मेरा पक्ष सही है। राज जी ने परम धाम की आत्माओं को माया का खेल दिखाया है। राज जी मूल मिलावे में बैठे हैं, जागृत हैं। इंद्रावती का कथन है कि राज जी आप तो आवेश स्वरूप से आए हो, जैसे आप आवेश स्वरूप से आए हो हमको भी आवेश स्वरूप से भेज दो तो हम देखते हैं कि माया क्या करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी आवेश को पाने का अधिकार है। हिस्सा देऊं आवेश का भेली करूं सब संयन। आपको ज्ञान का आवेश मिलेगा, ज्ञान का आवेश मिलेगा तो प्रेम का आवेश आपके अंदर आना चाहिए। तभी वाणी में कहा है इलम हक का सुनते ही इश्क न आया जिन तिनको नसीहत जिन करो नाही मुतलक मोमिन। राज्य की वाणी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं। यदि हमारे अंदर इश्क नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि हमारा हृदय कठोर है। हृदय की कठोरता के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेम में डूबना पड़ेगा। प्रेम कहाँ से आएगा? चितवनी से। चितवनी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चितवनी के लिए आपको शरीर की साधना करनी पड़ेगी, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, मन की साधना करनी पड़ेगी, तृष्णाओं से रहित करना पड़ेगा, तब तो प्रेम आएगा। बचने कामस काठिए राजखे नहीं रजमात्र जुग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थे प्रेम न पात्र। अपने गुण इंद्रियों को जीते बिना हम प्रेम की पात्रता नहीं पा सकते। प्रेम कब आएगा? प्रेम तो सोने का बर्तन है, सिंगने का दूध है जो सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। यदि आपके हृदय में कलुषता है तो आप प्रेम के अधिकारी नहीं है। आपके मोह के अधिकारी हो सकते हैं लेकिन प्रेम के अधिकारी नहीं। यदि आपने प्रेम पा लिया तो जब चढ़े प्रेम के रस हुए धामधनी बस राज्य को बस में करने का अधिकार आपको है। प्रेम के पिंजरे में तोता बनाकर राज्य को रखने का अधिकार आपको दे दिया गया है। जो महामती जी ने हमसे में किया वह अधिकार आपको है। राज्य ने सब कुछ बता दिया है। राज्य के दिल में डुबकी लगाकर उनके हृदय के आठों सागरों को मापने का अधिकार आपको दिया गया है। आप ही नहीं करना चाहते हैं, दोष राज्य पर मनना चाहते हैं कि राज्य का हुक्म होगा तो यह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं और हम यही करके बचते आ रहे हैं। जो प्राणेश्वर है वो कितना महान है शायद हम नहीं जान सकते। इन विध हुई है इत साथ की जीत। राज्य इस खेल में स्वयं हार रहे हैं और अपनी अंगनाओं को विजयी बना रहे हैं। जैसे जो एक प्रेमी खिलाड़ी होगा वो क्या करेगा, जिससे प्रेम करेगा उसको जिता देगा जानबूझकर और स्वयं हार जाएगा। संसार के सामने राज्य ने ऐसी लीला की है कि अपनी आत्माओं को जिता दिया है और स्वयं हार गए हैं। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूं। मिर्गी की बीमारी लगी है रामनगर में। एक सुंदर साथ को श्मशान में पहुंचाकर दाह संस्कार कराया जाता है, दूसरे का शरीर छूट जाता है। जब श्री जी का अंतर्धान होता है कितने सुंदर साथ अपना तन छोड़ देते हैं। दिलीप जी कल बता रहे थे 24 सुंदर साथ ने तन छोड़ा, लेकिन सुंदर साथ के तन छोड़ने पर क्या श्री जी तन छोड़ देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि श्री जी को 5000 को देखना है। एक के तन के छोड़ने पर दाह संस्कार करने में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें तो सबको देखना है, इसलिए उनके वियोग में सुंदर साथ तन छोड़ सकता है। सुंदर साथ के वियोग में राजी तन छोड़ नहीं सकते, तो किसकी जीत हुई? परमधाम में सब कहेंगे कि राजी हमने आपके वीरा में तन छोड़ दिया, आपने तो नहीं छोड़ा, आपने अपने हुक्म से मिर्गी का रोग दबा दिया। इसको कहते हैं इनबित हुई है इत साथ की जीत। राजी ने सब कुछ बता दिया। जैसे भीष्म पितामह ने बता दिया था कि अर्जुन को कि युद्ध में मैं अर्जुन से कैसे हारूंगा, यदि शिखंडी को आगे कर देते हो तो मैं हार जाऊंगा, उसी तरह से राजी ने सारा सब कुछ बता दिया। सटृति में वशीकरण मंत्र बता दिया, सिंधी के प्रकरणों से बता दिया कि देखो सब कुछ मेरे दिल की इच्छा पर छोड़ दो, स्वयं का अस्तित्व खड़ा मत करो, मौत का शरबत पहले तुम पी लो, अपने अस्तित्व को भुला दो, खिलवत की वाणी से सिंधी की वाणी से खटुती का विरह ले लो और दृढ़ संकल्प करो कि मैं तो तुम्हारी कियल, ये समर्पण का मंत्र है।
और यह संकल्प करो कि मैं तभी ब्रह्मात्मा हूं जो साक्षात देखूं। सुख अंग न लियो इन सेज को तय, निर्फल गई जो रात। इस खेल में आना हमारा व्यर्थ है यदि मैंने साक्षात राज्य को देखा नहीं, उनसे बातें नहीं की, उनकी बातों को नहीं सुना। ये कौन सिखाएगा? सागर की वाणी सिखाएगी। और इसके बाद आप दृढ़ संकल्प लेकर के कदम बढ़ाइए, क्योंकि राजी वतन दे चुके हैं। एक बार करो साथ मुझको, मैं जी जी करूं दस बार, मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी जी करूंगा। यदि राजी वैसा नहीं करेंगे तो वे झूठे कहलाएंगे। और सब कुछ तरीका भी बता दिया, समर्पण का तरीका बता दिया, दृढ़ संकल्प का तरीका बता दिया, प्रेम में डूबने का तरीका बता दिया, इश्क के उपजे का प्रकरण बता दिया, आत्मा की फरामोशी से जागने का प्रकरण बता दिया, ये भी बता दिया कि मेरे दिल में डुबकी कैसे लगाओगे। सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन जो उन्होंने बताया है, जैसे भीष्म पितामह ने बताया था राज्य को हराने का, प्रेम में हराना कोई अहंकार मूलक नहीं होता है। प्रेम में कोई हार जाए यही सबसे बड़ी भूल है। इसलिए यदि आप दृढ़ संकल्प लें कि राज्य आप सब कुछ हैं, लेकिन आप आशिक तभी हैं जब हमको जिता दे, तो राजी आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य और गुरु परशुराम जी में युद्ध हुआ। परशुराम जी के चरण छुए भीष्म पितामह ने। परशुराम जी क्या आशीर्वाद देते हैं? विजयी भव। जब पहले ही आशीर्वाद दिया कि विजयी भव तो होना ही था। उसी तरह से आप अपना दिल राज्य को दे दीजिए और कहिए कि राज्य मुझे आपके दिल में प्रवेश करना है, रास्ता बताते जाइए, रास्ता राज्य बताते जाएंगे और आप एक दिन अध्यात्म के शिखर पर पहुंचेंगे। सिंधी के इस हुक्म के प्रकरण का यही वास्तविक आशय है, जिसको न समझने के कारण कितनी भ्रांतियां चल गई हैं कि राज्य नहीं आए, सखियां नहीं आई, हुक्म और इलम का खेल है। और ये लगभग अधिकतर विद्वानों की जीवा पर रटा रहता है। जैसे मैंने कहा आपको, जी हुक्म का अर्थ जो राजस्थान में कहा जाता है, हर बात में जी हुक्म, तो इसका तात्पर्य नहीं है। यदि उदय सिंह को कहा जा रहा है कि जी हुक्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम हुक्म है। जी का मतलब महाराणा उदय सिंह जी, आपका हुक्म क्या है, इसको संक्षिप्त भाषा में कहेंगे जी हुक्म। उसी तरह से एक ही हुक्म अनेक सब रूपों में तारतम वाणी में आया है, प्रसंग के अनुसार हमें उसका अर्थ समझना चाहिए। आज अंतिम दिन से पहले की रात्रि का कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रम और होंगे। मैं आशा करता हूं कि सुंदर साथ सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत की सारी चर्चा आपने सुने। एक दृढ़ संकल्प करके आप घर प्रस्थान कीजिए कि जिस तरह से एक दृढ़ संकल्प करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, आपके जीवन का भी एक लक्ष्य है। अवश्य ही राज्य को पाना है, अवश्य ही दीदार करना है, अवश्य ही बात करना है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है और इसको लेकर रहेंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम। अपने हृदय को राज्य को दे दीजिए, सब कुछ राज्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, अपने हृदय को प्रेम से रसीला बनाइए। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया किताब। आपका हृदय कोमल होना चाहिए, उस हृदय में कोमलता का, प्रेम का, माधुरता का साम्राज्य होना चाहिए। आप अपने हृदय की शुष्कता को हटाइए, नकारात्मकता को हटाइए, अपनी घृणा के संस्कारों को दूर कीजिए, राग द्वेष के बंधनों से परे होइए, अपनी दृष्टि को प्रेमयी बनाइए। देखिए, बाजी आपके हाथ में है, अब जीतना आपके ऊपर है, हारना आपके ऊपर है। छठे दिन की लीला में मैंने सारा कुछ सार कर दिया। राज्य के आदेश से उनकी कृपा की छत्रछाया में बैठकर अब मैं देखता हूँ, ये मेरी आवाज तो हजारों सुंदर साथ के पास यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएगी। अब मैं देखता हूँ सुंदर साथ जागने के पथ पर कितनी तेजी से कदम बढ़ाता है। मैं मूल स्वरूप के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि राज्य सबके सुरता को अपने चरणों में प्रेम में के रस में डुबो दें। सभी यहीं बैठे बैठे राज्य के ध्यान में डूबे, उनकी शोभा को बसाएं। सभी
प्रत्यक्ष बातें करें, तभी हमारा इस खेल में आना सार्थक।